नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 3 जरा मुस्कराइए का अभ्यास करेंगे। जरा मुस्कुराइए यानी कि मुस्कुराना यानी कि हंसना, मुस्कुराना यानी कि हंसना। जीवन में हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन हमारी दैनिक जीवन की हमारी दैनिक जीवन में उनका भी यानी कि मुस्कुराने का भी अधिक महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। छूमंतर हो जाना यानी कि हमारे जीवन में कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो, कोई दुख हो तो हंसने की वजह से वह दूर हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए भी हास्य बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ यानी कि तंदुरुस्त रहने के लिए हास्य बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ छोटा गांव है इसलिए ऐसा क्लब का आयोजन कम होता है, पर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े गांवों में लाफिंग क्लब यानी कि हंसने की क्लब का हंसने की क्लब ऐसे बड़े बड़े देशों बड़े बड़े गांवों में ऐसी क्लब भी बनाई जाती है कि जहां पर अलग अलग तरीके से व्यक्ति को हंसाते हैं। ये हंसाने की वजह से व्यक्ति की हंसने की वजह से उसके जीवन में जो तनाव है दुख है वह हंसने की वजह से दूर हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हंसना महत्व हंसने का खूब ज़्यादा महत्व माना जाता है। कई बार हमारे जीवन में कितने सारे तनाव होने के नाते हम उदास हो जाते हैं। तनाव चिंता ये तो सभी के जीवन में होती ही है, पर हंसने की वजह से यह दूर हो जाती है। किसी की चिंता को बार बार दोहराने से वह चिंता ज़्यादा हो जाती है, कम नहीं होती, पर उस चिंता को हंसने की वजह से हम कम कर सकते हैं। कोई बात को लेकर हम मन में बैठ जाते हैं और उसके ही विचार में रहकर हमारा शरीर भी इस तनाव की वजह से शरीर भी ना तंदुरुस्त रहता है, हमारी तंदुरुस्ती चली जाती है। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम गुजराती में शूँ कहवाई जॉक्स कही है ने अपने कि कोई पण जॉक्स सांभळवाथी हसवू आवे एवी रीते हिंदी में मुस्कुराया मुस्कुराना हंसना हंसने की वजह से जीवन में सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं चुटकुले यानी कि जॉक्स दिए गए हैं, इसको चुटकुले भी कहा जाता है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले चुटकुले यानी कि गुजराती में उसे क्या कहा जाता है, जोक्स कहा जाता है। हिंदी में उसे चुटकुले कहा जाता है। चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देंगे यानी कि करेंगे। मजबूर करना यानी कि हमें कई बार हंसना नहीं आता है तो ऐसे चुटकुले ऐसे जोक्स सुनकर हमें हंसना ज़रूर आएगा। हमें हंसना नहीं होता हो तो फिर भी हमें कई बार हंसना नहीं है तो भी ऐसे चुटकुले सुनकर हमको हंसना आ ही जाता है। मालिक किराएदार से, किराएदार यानी कि जिसने रहने के लिए घर से किराया लिया हो वह किराएदार किसे कहते हैं, कि जिसने रहने के लिए घर किराया पर लिया हो। घर किराया पर लेना यानी कि अपने एम कहें कि घर भाड़े राख्यू छे एने शू कहवाय किराएदार। किराएदार से,
तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराया यानी कि गुजराती में शू कहवाय, भाड़ू कहवाय। शू कहवाय? भाड़ू। भाड़ू एटले पैसा। एम के तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? ये कोने कहे छे? मालिक जे घर भाड़े राखू हो व्यक्ति ने एवं कहे, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराया यानी कि भाड़ू। तू मने भाड़ू केम नहीं आपतो? किराएदार यानी कि भाड़ूवाद। किराएदार को क्या कहा जाता है? भाड़ूवाद। किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। शू कहे छे भाड़ूवाद? कि तमे तो एवं कीधु तू कि आ घर छे एने तमारू ज समझजो। हाँ किया था, पर ऐसा थोड़ा होता है कि इसे अपना ही घर समझना। ऐसा कह दे तो उसको किराया नहीं देना, ऐसा नहीं होता है। दूसरा नंबर पर है, सोनू का सिर फट गया। सिर फट गया यानी कि उसको सिर फट जाना, यानी कि उसको माथे में इजा हुई। यानी कि सोनू वह लड़के का नाम है। सोनू का सिर फट गया। सोनू ने माथा में सू लाग इजा थी थी वाग्यू तू। डॉक्टर सोनू से कहता है, ए कैसे हुआ? डॉक्टर सोनू ने शू कह आ के रीते थयू? सोनू डॉक्टर से, सोनू डॉक्टर ने शू कह, मैं पत्थर से किल ठोक रहा था। किल यानी कि खिली। किल यानी कि खिली। मैं पत्थर से किल ठोक रहा था। हूँ पत्थर वड़े खिली ने ठोकी रहो तो, एट्ले कि खिली ने लगाड़ी रहो तो। एक आदमी ने मुझसे कहा गधे। एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति आकर उसको कहता है, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। खोपड़ी, खोपड़ी यानी कि मस्तक, सिर। इस्तेमाल, उपयोग। इस्तेमाल। उपयोग। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे एक आदमी यानी कि एक व्यक्ति, एक माणस से आवीने मने कहूं, कभी गधे मने शू कीधु? गधेड़ा। कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। गधेड़ा क्यारेक तो खोपड़ी नो उपयोग कर। એટલે શું કહેવા માંગે છે? એમ કે ડૉક્ટરે શું કીધું કે યહ કેસે હુઆ, કઈ રીતે થયું? તો ડૉક્ટરને સોનુએ એવું કીધું કે હું પથ્થરથી શું કરી રહ્યો હતો? પથ્થર વડે ખીલીને ઠોકી રહ્યો હતો, એટલે લગાડી રહ્યો હતો. અને એક માણસે મને કહ્યું, ગધેડા ક્યારેક તો ખોપડીનો ઉપયોગ કર. એટલે માથાનું, ખોપડી એટલે માથું, મગજ. તો કે એનો તો ક્યારેક ઉપયોગ કર. એટલે એણે શું કર્યું કે માથામાં લગાડવા લાગ્યો. એવું માથામાં લગાડવાથી ઈજા તો થવાની જ છે ને. જરા ઊંચા બોલો. માફ કરે અંકલ, ઇસસે ઊંચા હોકર મેં નહીં બોલ સકતા. આપકે પાઠ્ય પુસ્તક મેં પેજ નંબર 14 પર દિયા ગયા જો ચિત્ર વાલા હૈ ચુટકુલા યે દેખે કે ચિત્ર મેં આપકો દેખ કર પતા ચલ જાયેગા કે ઇસમે ક્યા કહેના ચાહતા હૈ. જરા ઊંચા બોલો. ઊંચા બોલો યાની કે अपनी आवाज ऊंची रखो. शू कहवा मांगता तो कि जरा जोर थी बोलो. ऊंचा बोलो એટલે કે जोर थी बोलो, ऐसा कहना चाहते थे. पर व्यक्ति ने क्या कहा? वह ऊंचा हो गया यानी कि जिस जगह पर बैठा था यहाँ थी थोड़ा ऊंचा चढ़ गया वो. माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता. एने शू कर्यु के माफ करो, एटलो बधु ऊपर हूँ जईने बोली सकीश नहीं. खरेखर एने शू करवानुं हतुं? अवाज मोटो करीने बोलवानी वात हती, पण ए शू समझ्यो? ऊंचो थईने बोलवानुं. डब्बू इतिहास में तुम फेल हो गए. शू कहे छे एना पप्पा? शू कहे छे के अरे डोबा, तू इतिहास में फेल थई गयो, समाजशास्त्र में फेल थई गयो. तो एने शू कहे छे? क्योंकि एम कहे छे तू फेल थई गयो. तेना प्रत्युत्तर में जवाब में शू कहे छे? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे
जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, इतिहास यानी कि पुराने साल की बात है। तो ईसु के हाँ हूँ फेल था ने, कारण के जे प्रश्न पूछा ना था ये तो मारा जन्म पहला ना था, एटले मने क्या थी आवड़े। खरेखर एवं हो इतिहास एटले जे प्रश्न लखेला हो ए पाका करीने बोलवानी वात छे, पण अहीं चुटकुला एटले के जॉक्स ना स्वरूपे लीधुं छे, एटले शुं के छे हाँ पण हूँ जन्म्यो न तो ए पहेलाना प्रश्न हो तो मने क्या थी आवड़े। એના પછીનો ત્રીજો ચુટકુલો, મુના મુના કહેતા હે પાપા કલ મેને રાત કે 1:30 બજે તક પઢાઈ કી। શું કહે છે મુન્ના? મુન્નાએ એના પપ્પા કે પપ્પા કલ મેને રાત કો 1:30 બજે તક પઢાઈ કી। પપ્પા ગઈકાલે મેં રાત્રે 1:30 વાગ્યા સુધી અભ્યાસ કર્યો। પિતાજી શાબાશ બેટે, લેકિન રાત કો 11 બજે કે બાદ તો સારે મોહલ્લે કી લાઇટ चली गई थी। मोहल्ला मोहल्ला यानी कि सब शेरी की लाइट चली गई थी। तू कहता है कि मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, पर 11 बजे थे तब तो लाइट चली गई थी, किस तरह तूने पढ़ाई की? मुन्ना सच मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मगन मगन मग्न मगन दोनों चलता है, ये मग्न यानी कि तल्लीन, मग्न यानी कि तल्लीन। यहाँ पर मगन दिया गया है और उसे मग्न भी कहा जाता है, तल्लीन। इतना तल्लीन था पढ़ने में कि लाइट चली गई उसका भी मुझे पता नहीं है। मैं डाक खाने जा रहा हूँ ही, कितना भूखा है, कागज पत्र भी क्या खा जाता है, क्या कहते हैं मैं डाक खाने जाना। डाक खाना दोनों आपके चित्र में आप देख सकते हैं, डाक और खाना दोनों थोड़ा थोड़ी जगह रखी है, दोनों शब्द के बीच में थोड़ी जगह है, वह शब्द के बीच में जगह नहीं होनी चाहिए, वह साथ में होना चाहिए, डाक और खाना दोनों साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डाक और खाना दोनों के बीच थोड़ी जगह है, दो शब्द के बीच क्या हुआ है, जगह है। इसलिए क्या कहता है, डाक कोई खाने की चीज है, कितना भूखा है तू, कागज पत्र भी खा जाता है, कितना भूखा है कि कोई क्या कागज पत्र खा जाता है, तू तो इतना भूखा है कि कागज और पत्र भी खा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों अहियाँ आपड़ा आ चुटकुला जे छे ए पूरा थाय छे, परंतु आपड़े एना आगळ हजी भणवानुं छे। पण आ इकाई नंबर 3 यानी कि पाठ नंबर 3 जे छे ए शू छे, चुटकुला एटले के चॉक्स। यहाँ पर इकाई नंबर 3 का अभ्यास हम पूर्ण करते हैं, पर आगे जाकर हम भाषा सज्जता इकाई नंबर 2 में जो दी गई है भाषा सज्जता, उसके बारे में अब हम अभ्यास करने के जा रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 11 निकालिए, उसमें भाषा सज्जता जो दी गई है यानी कि कहावते, क्या दिया गया है, कहावते। अब हम कहावते का अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में कहावते जो दी गई है उसका अर्थ स्पष्ट करना है, और जिस तरह हम मुहावरे में वाक्य का प्रयोग करते हैं उसी तरह कहावत में भी ऐसा करने का है। कहावते जो दी आपको परीक्षा में कहावते दी गई होगी उसमें उसका अर्थ लिखना है, बाद में क्या करना है, वाक्य के रूप में कहावत का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि कहावते किसे कहते हैं, कहावत का उपयोग कहाँ होता है, किस तरह होता है, उसके बारे में हम उसका अर्थ को समझेंगे। किसी प्रसंग या घटना का वर्णन करते समय
प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को क्या कहा जाता है? कहावतें। किसी प्रसंग या घटना का वर्णन करते समय प्रयोग किए जाने वाले रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावतें कहते हैं। कहावतों में क्या ध्यान रखना है? कहावतों को जब हम प्रयोग करते हैं तब किस तरह करना है? कहावतों के प्रयोग से भाषा अभिव्यक्ति समर्थ और प्रभावशाली बनती है, इसलिए उन्हें भाषा के गहने कहे गए हैं। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 11 पर क्या दी गई है? कहावतें दी गई हैं। कहावत किस तरह लिखी जाती है? हमने पहले जो शब्द सुना कि कहावत प्रयोग किस तरह किया जाता है, उसका कहावत की परिभाषा का हमने अभ्यास किया। अब हम कहावत किस तरह लिखी जाती है, कहावत का उपयोग किस तरह किया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी घटना प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तब कहावत बन जाती है। कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग्य की पैनी धार होती है। व्यंग्य की पैनी धार होना यानी कि हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं? कटाक्ष। अपने कोई ने घणी वार सीधू न कही सकिए એટલે વ્યક્તિ શું કરે? કટાક્ષમાં કે એટલે કહેવતનો ઉપયોગ છે એ ઘણીવાર કટાક્ષના રૂપમાં પણ કરવામાં આવતો હોય છે। એને હિન્દીમાં શું કહેવામાં આવે છે? વ્યંગ્ય। તો કભી ઉસમે હૃદય કો છૂ લેને વાલા મર્મ હોતા હૈ। હૃદય કો કઈ બાર એસી કહાવતે ભી હો સકતી હૈ कि वह हृदय को छू लेती है। हृदय को छू लेना यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि मोर के इंडे को चितरना नहीं पड़ता है। कोई पण सारी व्यक्ति होए, एने खूब आवड़त होए, पछी एना संतान में ए आवड़त आवे एटले आपणे एने शुं कहीए कि मोरना इंडा ने चितरवा न पड़े। एटले के एनी माता अथवा पिता ए जेटला होशियार छे तो एनुं संतान पण होशियार छे। એના માતા પિતા જેટલા હોશિયાર છે તો બાળક તો હોય ને, આપણે એવું ઘણી વાર કહેતા હોય છે। હવે કોઈની તમે વખાણ એવી રીતે કરો કે મોરના ઈંડા તો ચિતરવા ન પડે, એટલે આ જે વાત છે એને શું કહેવાય? હૃદય કો છૂ લેને વાલી વાત। આવું કોઈને કહેવામાં આવે તો સીધી જ એના હૃદય ઉપર, એટલે કે એને સારી વાત, એના વખાણ થાય કોઈ પણ વ્યક્તિના, એ વ્યક્તિને ગમે જ, એટલે શું કહેવાય કે હૃદય કો છૂ લેને વાલી બાત, યાની કે કિસી વ્યક્તિ કી પ્રશંસા જબ હમ કરતે હૈ તબ સામને વાલી વ્યક્તિ કો અચ્છા લગતા હૈ, ઇસલિયે ઉસકે હૃદય કો છૂ લેને વાલી વાત કો બતાઈ ગઈ હૈ। કહાવતે કભી કભી નીતિ યા બોધપૂર્ણ યુક્તિઓ કા ભી કામ કરતી હૈ। કહાવતે પ્રાયઃ પૂર્ણ વાક્ય કે રૂપ મે હોતી હૈ ઓર કિસી પ્રસંગ કે अंत में आकर उसका स्पष्टीकरण करती हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कोई व्यक्ति को काम नहीं करना है पर दोष दूसरे को देता है तो उस व्यक्ति के लिए एक ऐसा शब्द का प्रयोग होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात नाचना आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा कहता है। यानी कि
अनुपयुक्त या दोषपूर्ण बात बताकर वह नाचने से बचना चाहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए पेज नंबर 11 पर जो कहावतें दी हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हरिभजन यानी कि भगवान के भजन करने के लिए आए थे और दूसरा काम ओटन लगे कपास यानी कि कपास ओटने लगे, कपास ओटने का काम करने के लिए वह बैठ गए। यानी कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसे कहते हैं आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हमारे मम्मी पापा ने कहा है कि इतना तुम पढ़ने के लिए पढ़ लो, बाद में मैं आपको ये तुमने कितना पढ़ा है मैं चेक करता हूँ। बाद में पापा और मम्मी हमें पूछते हैं तब हम वह आते हैं, उस समय दूसरे काम में लग जाते हैं। उसे कहते हैं आए थे हरे भजन में ओटन लगे कपास। कई बार हमें ट्यूशन जाना नहीं होता है तो हम घर से निकल जाते हो ट्यूशन जाने के लिए, जाते हैं निकल जाते हैं बैठते हैं ट्यूशन में, थोड़ी देर बैठते बाद में कोई छुट्टी लेकर घर ट्यूशन से निकल जाते हैं और दूसरे काम करने के लिए चले जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी कि अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। कोई किया है, कोई व्यक्ति ने अपराध किया हो पर निर्दोष व्यक्ति को वह धमकाता है, एक तो तुमने चोरी की है और ऊपर से मुझे डांटते हो। उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। उसे क्या कहते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। कोई दुकान में बहुत बड़ा नाम होता है कि इस दुकान में माल बहुत बढ़िया मिलता है, पर यहाँ से वस्तु लेकर हम घर पे आते हैं तो उसका माल कैसा निकलता है, घटिया यानी कि खराब माल निकलता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वह शराबी तो था ही चूहा भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम, करेला कैसा होता है वह भी कड़वा होता है और नीम का पेड़ वह भी कड़वा होता है, अर्थात एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इसकी बात तो हम कई बार क्लास में भी करते हैं कि कोई आम हो तो एक आम बिगड़ जाता है टोकरी में तो पूरी टोकरी को खराब कर देते हैं। इसलिए जो बिगड़ा है आम वह निकाल देना चाहिए। यानी कि हमारे दोस्ती में भी ऐसा है, हमारे दोस्त में हमें कोई भी ऐसा गुण लगे, कोई अवगुण उसमें लगे तो उसे अवगुण को बता देना चाहिए। जब वह इस अवगुण को नहीं स्वीकारता नहीं मानता तो उससे दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके भी बुरे दोस्त बुरे गुण हमारे में भी आ सकते हैं। इस जगह पर इसका प्रयोग होता है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यानी कि जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए। ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होती है। कंगाली में आटा गीला। गंगू पहले ही बहुत निर्धन यानी कि उसके पास पैसा नहीं था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजरा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई।
कंगाली में आटा गीला, आपणे गुजराती में एवुं कहीए छीए ने के दुकाळमां अधिक मास, एक तो दुकाळ होय एमां अधिक मास एटले के वधारानो महीनो आवे, एक तो पैसा होय ने एमां एक महीनो वधारानो आवे એટલે તકલીફ પડે ને, એમ હિન્દીમાં એને શું કહેવાય? કંગાલી મેં આટા ગીલા, ઇસે કહેતે હૈ કંગાલી મેં આટા ગીલા, યાની કે મુસીબત મેં ઓર મુસીબત આના. કહાં રાજા ભોજ ઓર કહાં ગંગુ તેલી, ઉસ સાધારણ ગાયિકા કી તુલના લતા મંગેશકર સે કરના ઉચિત નહીં હૈ. કહાં રાજા ભોજ ઓર કહાં ગંગુ તેલી, अर्थात दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना. कई बार ऐसा होता है कि कोई गायिका गाती है तो उसके साथ हम क्या कहते हैं, तुलना करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, पर ऐसा नहीं होता. लता मंगेशकर के साथ किसी की तुलना शक्य नहीं होती, क्योंकि ये तो बड़ी बहुत बड़ी गायिका है. इसलिए ऐसा कहा गया है दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना. કોયલે કી દલાલી મેં હાથ કાલા, કોયલા કોયલા યાની કી ગુજરાતી મેં શું કહેવાય? કોલસો. ઉસકા સાથ છોડ દો પૂરા ગુંડા હૈ, કભી તુમે ભી લે ઉઠાય તુમે ભી લે બેઠેગા. જાનતે નહીં કોયલે કી દલાલી મેં હાથ કાલા, અર્થાત બુરે કે સાથ રહેને પર બુરા હી મિલતી હૈ. ઇસલિયે બાર બાર આપકો કહેના પડતા હૈ કે સંગત હમારી कैसी होनी चाहिए, सच्ची संगत होनी चाहिए. और हमारे जीवन में हमारी संगत बिगड़ गई तो सबसे पहले हमारे माँ बाप को दोष पड़ेंगे, इसलिए हमारी संगत कभी बुरी होनी नहीं चाहिए. संगत की वजह से हमारे जीवन में भी बुरे गुण आ सकते हैं, इसलिए संगत यानी कि मित्रता जो है वह अच्छी रखनी चाहिए. चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी, दमड़ी यानी कि पैसा. सेठ मोहनदास जी कई दिनों से बीमार हैं, फिर भी अस्पताल के नहीं जाना चाहते थे. सेठ मोहनदास कई दिनों से क्या थे, बीमार थे, फिर भी अस्पताल यानी कि दवाखाना, अस्पताल यानी कि दवाखाना. कैसे थे सेठ मोहनदास जी? बीमार थे, फिर भी वह अस्पताल नहीं जाना चाहते थे. उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दमड़ी यानी कि पैसा. वह पैसा छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं था, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन, कष्ट यानी कि दुख सहन कर सकता है, पर पैसे की वजह से वह पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उसको पैसा खर्चना नहीं पसंद है. अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेते हैं लेकिन पैसे खर्च नहीं करते. जो गरजते हैं सो बरसते नहीं. कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, वह प्रथम तो क्या तृतीय भी न आ सका. उसने क्या किया था कि मैं प्रथम नंबर पर आ ही जाऊंगा, पर उसने प्रथम तो ठीक पर तीसरा स्थान भी नहीं स्थान पा सका. यानी कि उसे कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो डिंग मारते हैं वह काम नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वह कभी डिंग नहीं मारते. यानी कि बार बार कोई बात को बोलने से हम वह काम को सफलता नहीं प्राप्त कर सकते. हमें जो करना है वह बोले बगैर करते हैं तभी उस कार्य में हमें सफलता मिलती है. नाम बड़े और दर्शन छोटे, तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर जाकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं था. इससे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं है. प्रसिद्धि बहुत बड़ी है पर उसमें देखकर हम जाकर देखते हैं तो उसमें कुछ तत्व नहीं दिखाई देते. बोया पेट बबुल का आम कहाँ से पाए, सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है क्योंकि किसी ने कहा है बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता. हमें अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे काम करने पड़ते हैं. हम बुरे काम करते हैं और फल में
अच्छे अच्छा फल मिले ऐसा रखते हैं तो हमें वह प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म करते हैं तब ही हमें कर्म का अच्छा फल मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके पाठ्य पुस्तक में जो कहावतें दी गई है वह कहावतें आप आपकी नोटबुक में यानी कि कापी में लिख लीजिए। आ अत्यारे में जो तुमने कहावत समझाई भी छे, ए कहावत तमारे तमारा पाठ्य पुस्तक माथी तमने बनावेली जे नोटबुक छे एनी अंदर तमारे लखवानी छे। थैंक यू।